नमस्ते दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों को AIG हॉस्पिटल के बारे में थोड़ा सा कुछ अपडेट देती हूँ। ठीक है, तो अभी जो हो रहा है AIG हॉस्पिटल जो कि सोमाजी गुड्डा का है, तो वहाँ पे अभी पहले तो 4 बजे बंद हो जा रहा था हॉस्पिटल, लेकिन फिलहाल 5:30 बजे तक खुला रहता है। और यहाँ पे और एक बात है जो कि रजिस्ट्रेशन के बारे में है। रजिस्ट्रेशन पहले तो 6:30-7 बजे से सुबह शुरू हो जाता था और ये शाम को 4 बजे तक होता था, लेकिन अभी ये सुबह 8 बजे से 11 बजे तक ही होता है। और अगर आप लोग दिखाना चाहते हैं तो आप लोगों को इस टाइम के अंदर ही, मतलब आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तभी आप उस दिन दिखा पाएंगे। और संडे अभी भी क्लोज रहता है। और यहाँ पे हर तरह का जो ट्रीटमेंट है वो हो रहा है, पहले भी जो हो रहा था वो सब कुछ हो रहा है, और जितना भी सारा मतलब टेस्ट है वो सभी हो रहा है, इसलिए उसका कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। और मुझे किसी ने कहा है, पूछा है कि वहाँ का जो ट्रीटमेंट्स है तो वो ट्रीटमेंट्स में मतलब लीवर का ये सब होता है क्या नहीं, तो मैं यहाँ पे आप लोगों को एक बात कहना चाहती हूँ कि गैस रिलेटेड और लीवर रिलेटेड जितना भी ट्रीटमेंट्स होता है सब कुछ वहाँ पे बहुत अच्छी तरह से होता है, आप लोग जा सकते हैं। तो AIG हॉस्पिटल जो कि सोमाजी गुड्डा, वो मैं जाती हूँ इसलिए मैं उसमें ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, लेकिन जो गच्ची वाली है वो भी आप जा सकते हैं। और ये भी एक बात है, मैंने पिछले जो बंगाली वर्जन में मैंने जो वीडियो दिए थे उसमें मैंने बताया थे कि आप लोग अगर चाहें तो डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी को कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन शायद आप लोगों को थोड़ा सा लैंग्वेज प्रॉब्लम हुआ होगा, इसीलिए मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए कि डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी को हम किस तरह से दिखाएं। तो अगर आप लोग डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी को दिखाना चाहते हैं तो वो गच्चीवली में बैठते हैं और वो मंडे से लेकर फ्राइडे तक अवेलेबल रहते हैं, लेकिन उनका अपॉइंटमेंट आपको एक दिन पहले लेना पड़ेगा, उसको बुक करना पड़ेगा। उसका जो नंबर है, गच्चीवली का जो नंबर है उसमें ही आपको बुक करना पड़ेगा। और मैं दोनों ही नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी, जो कि सोमाजी गुड्डा का भी एक नंबर है और गच्चीवली का भी एक नंबर है। तो आप लोग जब भी जाइएगा, अभी लॉकडाउन के पीरियड है, लेकिन जब भी आप जाइएगा उसके पहले आप लोग कांटेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि फ़ोन नंबर जो मैं दूंगी, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ूंगी, उस पर आप लोग हमेशा ही कॉल कर सकते हैं 10 बजे से लेकर 5 बजे तक सुबह का, संडे क्लोज रहता है। तो इसमें आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से उन लोग के साथ बात कर पाएंगे, वो लोग आप लोगों को समझा भी देंगे कि कौन सा डॉक्टर अभी अवेलेबल है नहीं है, आप लोग आ सकते हैं नहीं आ सकते हैं। अगर कुछ आप लोगों को मतलब स्पेसिफिक अगर कुछ बीमारी है तो उसका ट्रीटमेंट वहाँ पे होगा या नहीं होगा, वो भी अगर आप लोग फ़ोन में थोड़ा सा बात कर लेंगे तो वो लोग आप लोग को बता देंगे। तो इसलिए आप लोग जब भी वहाँ पे जाएं उसके पहले आप थोड़ा सा कांटेक्ट कर लीजिए उन लोगों के साथ, फ़ोन में थोड़ा सा बात कर लीजिए, अपॉइंटमेंट पहले फिक्स कर लीजिए, उसके बाद ही आप लोग टिकट करवाएं। और मुझे वहाँ का डॉक्टर्स के बारे में जब पूछते हैं तो मुझे वहाँ का बहुत सारे डॉक्टर्स के नाम तो फिलहाल पता नहीं है, मैं जब जाऊँगी तो उसका एक लिस्ट मैं करके आप लोगों को दे दूँगी। तो मैं जो डॉक्टर को दिखाई, जो डॉक्टर राघवेंद्र यराला गुड्डा है बहुत अच्छे हैं, और जो जहांगीर है वो भी बहुत अच्छे हैं, और नागेश्वर रेड्डी को भी आप लोग दिखा सकते हैं। तो नागेश्वर रेड्डी को दिखाने से आप लोगों को गच्चीवली में जाना पड़ेगा, और अगर आप दूसरा किसी डॉक्टर को दिखाना चाहते हैं तो आप लोग सोमाजी गुड्डा में दिखा सकते हैं। और सोमाजी गुड्डा में अगर आप जाएंगे और आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, कोई कोई कुछ कुछ ट्रीटमेंट्स ऐसा भी होता है, कुछ कुछ टेस्ट ऐसा भी होता है जो कि गच्चीवली में ही होता है, तो सोमाजी गुड्डा से वो लोग भेज देते हैं, और उन लोगों का खुद का बस सर्विस भी है, इसलिए जाने के लिए कुछ भी दिक्कत नहीं होता है। और यहाँ पे मैं और एक बात बताना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे कॉमेंट्स आ रहे हैं, तो सोमाजी गुड्डा का जो होटल्स हैं सभी होटल्स बहुत अच्छे हैं, पास आस पास में बहुत बढ़िया है, आप लोग चाहते हैं तो मेरा प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे एक जो एक के बारे में मैं ज़्यादा बताऊँगी, जो कि आमंत्रण होटल है, इस होटल में खाना भी अवेलेबल है, उनका खुद का फूड सेक्शन है, और यहाँ पे रहने का भी जगह बहुत अच्छा है, तो आप लोग वहाँ पे चेक कर सकते हैं। लेकिन गच्चीवली का मुझे पता नहीं है, मैं जब जाऊँगी तो गच्चीवली का भी होटल्स मैं आप लोगों को उसका रिव्यू भी मैं आप लोगों को दे दूँगी। तो यही कुछ अपडेट्स था। सबसे बड़ी बात, वहाँ का रजिस्ट्रेशन का जो टाइम है वो चेंज हो गया है, 8 बजे से 11 बजे तक ही होता है, और उसी के अंदर ही आप लोगों को रजिस्ट्रेशन कर लेना है, नहीं तो आप लोग दिखा नहीं पाएंगे। लेकिन हॉस्पिटल अभी भी 5:30 बजे तक खुला रहता है, पहले तो बहुत रात तक खुला रहता था, बीच में 4 बजे तक खुला रहता था, अभी 5:30 बजे तक रहता है, लेकिन हर तरह का ट्रीटमेंट वहाँ पे होता है।
तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है. अगर पसंद आई तो इसको जरूर लाइक कीजिए. एंड टू गेट माई नेक्स्ट वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल. विथ लॉट्स ऑफ लव. बाय बाय.